एशियन चैंपियन ट्रॉफी महिला वर्ग 2024 हॉकी टूर्नामेंट की विजेता ट्रॉफी की गौरव यात्रा का भव्य स्वागत भागलपुर में किया गया। दरअसल इस यात्रा का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और हॉकी इंडिया के द्वारा किया गया है। भागलपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने ट्रॉफी का स्वागत किया। इस अवसर पर स्काउट और गाइड के बच्चों ने बैंड बजाकर और पुष्प वर्षा कर ट्रॉफी और अतिथियों का अभिनंदन किया। टाउन हॉल में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी और SSP ने ट्रॉफी को उठाकर उसका स्वागत किया और भागलपुर की ऐतिहासिक धरती पर इसका सम्मान किया। जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि यह ट्रॉफी बिहार के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि बिहार में राजगीर में हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन से खिलाड़ियों को नई ऊर्जा मिलेगी और वे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने भी कहा कि यह ट्रॉफी यात्रा बिहार के हजारों खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी और यह आयोजन इतिहास में दर्ज होगा। इस दौरान महिला हॉकी टीम के साथ बॉल पासिंग सत्र का भी आयोजन किया गया। ट्रॉफी यात्रा के सम्मान में किलकारी भागलपुर के बच्चों ने गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से ये बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वर्षों बाद एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन यहाँ हो रहा है और मुझे गर्व है इस बात पे कि इसके आयोजन के साथ ही राजगीर में जितनी बड़ी एकेडमी बनी है इससे हमारे हजारों प्लेयर्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई जान मिलेगी, जो हम लोग यहाँ अपनी क्षमता वर्धन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में प्रदर्शन कर सकते हैं। आज इस अवसर पर आए हुए बाहर से समस्त आए हुए खिलाड़ियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से मेरी यही कामना है, क्योंकि इस हॉकी का आयोजन हमारे बिहार में हो रहा है, हमारे इस देश में हो रहा है, ये हॉकी हमारे पास है तो ये अनोखा अनुभव होगा और अद्वितीय अनुभव होगा और इसके लिए हम लोग समस्त प्लेयर्स को मोटिवेट करें और हमारे समस्त प्लेयर्स यदि अपनी उन क्षमता का प्रयोग करते हैं, मुझे भरोसा है कि ये हॉकी का जो कप है, मुझे लगता है कि जो लोग आज इस ट्रॉफी को देख रहे हैं और हम लोगों को भी इस ट्रॉफी को स्पर्श करने का अवसर मिला, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कई दशकों बाद बिहार में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो खेल का आयोजन हो रहा है और उस आयोजन की जो ट्रॉफी है जिसने पूरे एशिया के कई देशों की यात्रा की है और उस ट्रॉफी के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। ये जब आप 5-10 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो पाएंगे कि कितना गौरवशाली क्षण था और एक बिहार में खेल के एक नए युग की शुरुआत हो रही है और यह यात्रा, यह ट्रॉफी जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ वहाँ के लाखों जो हमारे युवा हैं जो खेल में या जीवन के अन्य विधाओं में कुछ भी करने की इच्छा करते हैं वो इससे प्रेरणा लेंगे और इससे एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी जो आगे चल के बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक नया अध्याय मुझे लगता है खेल के क्षेत्र में जरूर लिखेगी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG फिजिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुदेश जायसवाल की पत्नी साधना जायसवाल शुक्रवार को विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने धरना पर बैठ गई। साधना ने अपने पति पर घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक असहयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। साधना जायसवाल ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2006 में डॉक्टर सुदेश जायसवाल से हुई थी और 2007 में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज हुआ था। हालांकि समझौते के बाद मामला शांत हो गया था लेकिन शादी के बाद से उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। साधना का आरोप है कि वर्ष 2011 में उनके पति का एक अन्य महिला के साथ संबंध शुरू हो गया और 2013 में उन्होंने अलग होने की बात कही, जिसके बाद वर्ष 2023 से उनके पति ने आर्थिक सहयोग भी बंद कर दिया है। साधना ने यह भी कहा कि मार्च 2024 में उसके पति ने तलाक का केस दायर किया और उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष कुलपति को भी लिखित शिकायत दी गई थी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि जाँच प्रक्रिया जारी है
और जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। मेरा नाम साधना जायसवाल है, मैं प्रोफेसर सुदेश कुमार जायसवाल TMBU सब्जेक्ट है फिजिक्स उनकी पत्नी हूँ। पिछले 2 साल से, वैसे तो मेरे शादी जो है 14 दिसंबर 2006 को हुई है और शादी के कुछ ही समय के बाद से मैं इनसे शारीरिक मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से प्रताड़ित हूँ। 2007 में मैंने इस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। उसके बाद ये 1 साल के बाद फिर ये इनको जो है समझा बुझा के इस मैटर पर जो है हम जो केस को कंप्रोमाइज कर लिए थे। 1-2 साल ये ठीक रहे, फिर इनका मारपीट दंगा फसाद शुरू हो गया है। इसके बाद इनका जो है 2011 के बाद किसी लड़की के साथ गलत संबंध हो गया है। उसके बाद ये लगातार तब से हमको 2013 से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मेरे घर से निकलो करते करते आज जो है 2024 आ गया है। पिछले 2 साल से यानी कि 15 दिसंबर 2023 को मैं VC आवास पे आके अपनी सारी व्यथा को एप्लीकेशन और पर्सनल दोनों तरह से VC साहब को अवगत करा चुकी हूँ। इसके लिए कमेटी भी गठित हुई थी, 19 अप्रैल को कमेटी थी जिसमें सुदेश जायसवाल आके बोले मैं उनकी पत्नी नहीं उनके घर की मेड हूँ। जब मैंने 2007 का केस का सारा पेपर निकाल के वहाँ पर दिखाया तब वो ये मानने के लिए रेडी हुए कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उसके बावजूद ये भी बोले कि मैं जो है डाइवोर्स केस जो है कोर्ट में फाइल कर चुका हूँ। भागलपुर के सहजंगी पंचायत के वार्ड नंबर 4 के गंगोता मैदान गांव में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। गांव में 200 से अधिक परिवार रहते हैं जो पानी के लिए प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। गांव में एक मिनी प्लांट टंकी स्थापित है लेकिन पिछले 8 महीनों से यह खराब पड़ी है जिससे ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और पानी की भारी कमी के कारण रेलवे पटरी पार कर दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं टंकी संचालक पिंकी देवी ने बताया कि कई बार जल विभाग के अधिकारियों को इस समस्या की सूचना दी गई लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं गांव के निवासी सतीश मंडल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों के सामने इस समस्या को उठाया परंतु ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। दरअसल यह मिनी प्लांट टंकी बिमुल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था लेकिन इतने समय से इसमें आई खराबी को ठीक नहीं किया गया जिससे गांव के लोगों में प्रशासन और सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक विभागीय अधिकारी और ठेकेदार इस गांव की जल समस्या का समाधान करते हैं। पानी 7-8-9 महीनों से पानी नहीं मिल रहा है और उसके बाद पानी का पूरा दूसरे कल ऊपर जा रहे तो बात बोली बोला तो वो गाली बक्का तो हम गुस्सा लग गया तो अपना कर्जा उठा के अपना कल गए। पानी तो यहाँ से नहीं मिल रहा तो बैसाख समय में जब पानी नहीं आता तो TNB को उस पार जाते हैं पानी नोने के लिए और बच्चा सब साथ में जाता है इसीलिए से प्रॉब्लम हो गया। इसलिए हम कर्जा उठा के कल गए। पटरी है लाइन की पटरी को उस पार जाते हैं तो क्या करेंगे। पानी को दिक्कत हो तो पेट में खाना होना चाहिए लेकिन पानी तो होना ही चाहिए। डर लगता है तो क्या करेंगे। जीवन से भर के पानी से भर के जीवन थोड़े है। पानी रहेगा तभी तो जीवन रहेगा। भागलपुर सबौर प्रखंड के खनकित्ता गांव के संतोष कुमार सिंह के 3 बच्चों कल्याणी कुमारी पृथ्वी कुमार सिंह और कोहिनूर कुमार ने बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इनकी इस उपलब्धि ने जिले और सबौर प्रखंड का नाम रोशन किया है। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक समारोह में इन तीनों खिलाड़ियों को पूर्व खेल मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और परिवार के सदस्यों ने बच्चों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है। कल्याणी पृथ्वी और कोहिनूर के इस बेहतरीन प्रदर्शन से गांव और जिले में भी हर्ष का वातावरण है और उनके सफलता के सफर को लेकर सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। प्राप्त किए वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट हम लोग किए वहाँ पे तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किए तो फाइट किए हम लोग वहाँ पे गोल्ड मिला। वहाँ पे हम लोग को चीफ गेस्ट लोग आए थे वहाँ पे बहुत सारे हम लोग को बधाई भी दी बोले और आगे जाओ मेहनत करो। और MGS लोग भी आए थे मुख्यमंत्री लोग भी आए थे बहुत सारे चीज आए थे वहाँ पे। और क्या आगे कहाँ खेलने का रुचि है। काठमांडू खेलने के लिए जा रहे हैं आगे।
बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत प्रमंडल इकाई ने अपनी मांगों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। दरअसल इस धरने का नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष जीतू सिंह, राज्य उपाध्यक्ष रामविलास पासवान, प्रमंडलीय अध्यक्ष कैलाश झा, बांका जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान, मनोहर पासवान और भगवान सिंह ने किया। धरने के दौरान राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह ने कहा कि बिहार सरकार से मांग की गई है कि सेवानिवृत्त हो चुके और सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली के लिए उच्च न्यायालय पटना के निर्णय को समाप्त कर बिहार विधानसभा में एक विशेष अध्यादेश लाकर इसे पास किया जाए। इसके साथ ही सभी जिला अधिकारियों को आश्रितों की बहाली का निर्देश देने की मांग की गई। धरने में उपस्थित सभी दफादार चौकीदारों से अपील की गई कि वे 11 नवंबर 2024 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित महारैली में शामिल होकर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन को सफल बनाए। आगामी काली पूजा को लेकर नाथनगर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल यह बैठक बाबा मनोस्कामना नाथ मंदिर में आयोजित हुई, जिसका नेतृत्व सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने किया। इस बैठक में नाथनगर, ललमटिया और मधुसूदनपुर थानों के पुलिस अधिकारियों के साथ साथ नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति और शांति समिति के सदस्य भी शामिल हुए। काली पूजा के दौरान शांतिपूर्ण विसर्जन सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने काली पूजा विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन और शांति समिति सहयोग की अपील की। वहीं डीएसपी राकेश कुमार ने जोर देकर कहा कि शांति और भाईचारे के माहौल में विसर्जन का आयोजन करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस बैठक में नाथनगर थाना प्रभारी शकील अंसारी, ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन, मधुसूदनपुर थाना के एसआई रत्नेश कुमार सिंह और पूजा समिति के गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। और इन लोगों द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस बार की काली पूजा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। इन लोग आश्वस्त किए हैं। तिलकामांझी स्थित शांता कुंज कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को गोदरेज इंटीरियो के नए आउटलेट का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, गोदरेज इंटीरियो के जोनल हेड अमित गवा, शाखा प्रबंधक नारायण चक्रवर्ती और सागर इंटरप्राइजेज के कमलेश कुमार सिंह एवं मैक्सी सागर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने पूरे आउटलेट का भ्रमण किया और वहां प्रदर्शित फर्नीचर और इंटीरियर आइटम्स का अवलोकन किया। सागर इंटरप्राइजेज के प्रबंधक कमलेश कुमार सिंह ने उन्हें उत्पाद की विशेषताओं और उपयोगिताओं के बारे में जानकारी दी। यहाँ पर हर तरह के बहुत ही सुंदर बेड, सोफा, डाइनिंग, जो स्मार्ट सिटी की जो हम लोग कल्पना करते हैं, उस कल्पना को पूरा करने के लिए ये हमारा प्रोडक्ट्स भी उसको साकार करेगा। और ये पूरा भागलपुर को ही नहीं, पूरा बिहार को सुंदर बनाने के लिए एक कदम है। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं सभी मीडिया बंधुओं का, उन्होंने हम लोगों को आकर के प्रोत्साहन दिया और सभी हमारे बड़ों का जो उनका आशीर्वाद के लिए।